मोबाइल नंबर क्या है? 600 क्या नाम है आप? मेरा नाम है मोहम्मद रियाज। अच्छा, क्या काम करने के लिए आए हो? बस घोड़ा चलाने के लिए। मैं बॉर्डर पास आया हूँ। बड़ा पास में। बड़ा पास है आपके? ये सामने है ना, देखो हाथ में। जी जी, ऐसा रिन्यू किया आपने? जी जी, ठीक है। आप क्या काम करोगे अपनी वाली? ठीक है जी जी। उसमें आप उधर एनिमल हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ से आपकी टैगिंग हो जाएगी। ठीक है ना। मैं गजवान रहता हूँ, मेरा नाम है मनशा खटाना। यहाँ घोड़े लेके हैं, यहाँ इंश्योरेंस करते हैं, तो ये पहली बार हो रहा है। आज से पहले ये नहीं होता था। अभी ये इससे थोड़ा पता चलता है किसका है घोड़ा, किसका नहीं है, वो भी पता चलता है, और इसको फ़ायदा भी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसीलिए इंश्योरेंस करते हैं। लाखों में घोड़ा है तो पहले कुछ नहीं मिलता था, बोलते हैं कि गवर्नमेंट इसके कोई घोड़ा नुकसान देगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। ये बलतल के लिए, बलतल अमरनाथ के लिए यात्रियों के लिए जी, बहुत नुकसान होता है सर, बात नहीं है। तो अभी तो अगर नुकसान भी होगा उसको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट मुआवजा देती है। हमको गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने ये स्कीम निकाली है। मेरा नाम है अल्ताफ अमर लोन, आया हूँ बुढ़नमल से बालथल के लिए। यहाँ पे हमारा मान लो गुजारा होता है। अब हम अभी यहाँ पे आए थे टैक लगाने के लिए, अब टैग लगा दिया यहाँ पे, हमने इंश्योरेंस भी करवाया इनका, इनसे इंश्योरेंस से हमें यही फ़ायदा मिलता है कि अगर हमारा घोड़ा काल की मर ही जाएगा कि उसे हमारा फ़ायदा है कि इंश्योरेंस का। रजिस्ट्रेशन की पहले वहाँ पे गए थे लेबर डिपार्टमेंट पे, वहाँ से आए फिर यहाँ पे इंश्योरेंस करवाया, यहाँ पे इनका टैग लगवा दिया, चेकअप भी किया यहाँ पे, अच्छे तरीके से देखा घोड़ों को भी। इससे बहुत फ़ायदा है हमें, बहुत फ़ायदा। देखा अगर हमारा घोड़ा की बीमार हो जाएगा या मर जाएगा हमारे, इससे बहुत फ़ायदा है क्योंकि इंश्योरेंस हमारा हुआ। हमें जाना है लेके बालथल में, हम ये यात्री के लिए आए हैं कमाने के लिए, यहाँ पे हमारा रोजी रोटी थी यही है। बहुत खुश है हम, बहुत खुश। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम यहाँ पे आए हैं कि इतनी दूर से। कोई आया पुनिश रजौरी से, कोई आया कुपवारा से, कोई आया बारामूला से, कोई आया सोपर से, कोई आया करालपोरा से। इसमें तो हर एक का यहाँ पे चलता है कि ठीक ठाक, सभी का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ लोन, मैं गोंड का रहने वाला हूँ सर। हम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से हैं, हम घोड़ों की रजिस्ट्रेशन करते हैं ताकि यात्रा में इनको अगर किसी का डैमेज हो गया, कोई घोड़ा वगैरह मर गया, तो उनको इंश्योरेंस कंपनी इनको रिलीफ दे देती है, पैसे मिलती। घोड़ा यहाँ ये यात्रा के लिए और टूरिस्ट का भी काम करते हैं यहाँ लोग। रजिस्ट्रेशन पहले ये लेबर डिपार्टमेंट में जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, लेबर डिपार्टमेंट वहाँ से इनको एक सीरियल नंबर देता है अपलोड करने के बाद, फिर ये हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ का जो सीरियल नंबर, उसमें इनका सारा डाटा निकल जाता है, तो फिर हमारे पास आते हैं, हम इनको हेल्थ कवर और इंश्योरेंस स्लिप देते हैं हमारे डॉक्टर साहब वाले। इनको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, एक इनको रजिस्ट्रेशन होगी, दूसरा ये मतलब इनको अगर रजिस्ट्रेशन होगी, टैग हो गया, इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता, फिर ये काम कर सकते हैं अमरनाथ में भी, यहाँ टूरिस्ट का काम भी। लगभग हमने सुबह से पीछे हमने 150 तक की है सर। मोस्टली हमारे पास ये नहीं है, जितने मर्जी हमारे पास आ जाएं, कोई इसमें नहीं है। हमारे पास 400 भी आए हैं, 300 भी आए, 200 भी आए, हम इनके लिए तैयार हैं सुबह से शाम तक। हर चेकअप डॉक्टर साहब चेक करते हैं, हमारे पास एस्टन वेटनरी सर्जन स्पेशलिस्ट के 2 हैं यहाँ पर, जो इनको पूरा चेक करते हैं, उसके बाद इनकी हेल्थ दे देते हैं। वो अनफिट घोड़े तो फिर उसको हेल्थ नहीं मिल सकती है ना सर, तो डॉक्टर साहब चेक करते हैं, उसके बाद हेल्थ दे देते हैं। मेरा नाम शकील अहमद है, मैं यहाँ लेबर डिपार्टमेंट से हूँ। तो यहाँ हम रजिस्ट्रेशन करते हैं घोड़े वालों की, पिठों वालों की, पालकी वालों की। तो इनको हम यहाँ लेते हैं एक आधार कार्ड की कॉपी, सिक्योरिटी के लिए पुलिस वेरिफिकेशन, और एक श्रम कार्ड की कॉपी और बैंक अकाउंट। यहाँ से जाके ये घोड़े वाले एनिमल हस्बेंड्री जाते हैं, यहाँ से ऑनलाइन होके इनको एक स्लिप मिलता है, तो ये जाते हैं यहाँ एनिमल हस्बेंड्री के पास, वहाँ इनकी टैगिंग हो जाती है जिसमें इनकी इंश्योरेंस हो जाती है, क्योंकि कल खुदा न करे किसी का घोड़ा वोड़ा मर जाता है तो उसको इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाती है, उसके पैसे मिल जाते हैं। हमारा यही काम है। तो इस साल गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया था कि हमारे डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था एडवांस रजिस्ट्रेशन के लिए, जो हम अप्रैल से ही पूरे गाँव गए हैं और पूरे पंचायतों में बैठे हैं, वहाँ से लोगों को बुलाया है सरपंचों के हमरा, तो वहाँ उनके रजिस्ट्रेशन की है, जो इनको इस साल बहुत फ़ायदा मिला। इस वजह से हमारे यहाँ आज भीड़ ज़्यादा नहीं हो रही है, जो कि हमने गाँव जाकर गनवन, सुंबलवाला, सुरफराव, कंगन, छतरगुल, बहुत गांव में गए हम। इस साल हमारा पूरा टीम गया है, 3-3 बंदे, तो वहां से हमने पहले इनके रजिस्ट्रेशन किया। अब जो लोग रह गए हैं, जो यहां सोनमर्ग में पहले से काम करते थे टूरिस्ट काम, उनके हम आज यहां करते हैं, और इसके बाद अब बाकी डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। और गवर्नमेंट का यह भी काम रहा है कि आज इस साल इन्होंने बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी इनके रजिस्ट्रेशन अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में कराई। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है इनके लिए, बहुत अच्छा। अभी तक यहाँ हमारी लगभग घोड़े की
2500 के अप्रोक्सीमेटली 2500 हुई है यहाँ पे हमारे यहाँ सोनमर्ग बेस कैंप में। वो पिट्ठू वाले भी अभी तक लगभग 2000 के करीब हो चुके हैं। पालकी वाले भी बहुत कम है क्योंकि पालकी वाले यहाँ से नहीं बाहर से आते हैं, जैसे रियासी से, राजौरी, पूंछ से, रामबन से। यहाँ कश्मीर डिवीजन में पालकी तो बहुत कम होता है, वो लोग वहां से आते हैं, उनकी वहां हो रही है रजिस्ट्रेशन और अब वो 15 के बाद यहाँ आएंगे, उसके बाद उनकी यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगी।